अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम बनाएंगे सब्ज मिर्च की हरी भरी चटनी। इसकी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो जो चीज़ें आपको चाहिए आप उसे चॉप करके रख लें। सबसे पहले आपने हरा धनिया लेना है, इसे साफ़ करके आपने काट के रख लेना है। और हमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें चाहिए वो हमने पुदीना लेना है, इसे भी काट के आपने चॉप कर लेना है साफ़ करके। उसके बाद हमें सब्ज मिर्ची लेनी है, इसे भी चॉप करके आपने रख लेना है। और आपने हसबे जायका इसमें इमली डालनी है। आप इमली की जगह अनारदाना भी ले सकते हैं, तो मैंने थोड़ी सी इमली ली है सीड से अलहदा करके। साथ में मैंने थोड़ा सा नमक लिया हसबे जायका, और मैंने साथ में थोड़ा सा इसमें ज़ीरा लिया है, उसे थोड़ा सा मैंने भून के रख लिया है। और साथ में एक अदद मैंने लहसुन लिया है। अब इन सारी चीज़ों को आपने अपने अकॉर्डिंग जो है ना चॉप करके रख लेनी है। चॉप करने के बाद अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड कर लेंगे। और इस चटनी को हम अपने किसी भी खाने के साथ सर्व कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, तो आई थॉट कि मुझे आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करनी चाहिए। तो अब ये सारी चीज़ें जो हमने चॉप की हुई हैं, अब हम इनको अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे, और उसके बाद हमारा ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो अब मैं सबसे पहले इसमें जो है ना हरा धनिया ऐड करूँगी, उसके बाद मैं इसमें जो है पुदीना ऐड कर दूंगी, और फिर मैं एक अदद लहसुन ऐड कर दूंगी इसमें, और फिर मैं सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर दूंगी, और मैं नमक ऐड कर दूंगी इसमें हसबे जायका जितना भी मुझे चाहिए। और अब इन मैं सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी जो मैंने चीज़ें चॉप की हुई हैं, उसके बाद मेरी चटनी तैयार हो जाएगी। तो मैंने अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब देखिए ये मेरी चटनी तैयार हो गई है। होप सो आप लोगों को भी पसंद आएगी, और आप लोग ट्राई भी करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इन्जॉय दिस।